इस खबर के प्रायोजक है बेस्ट क्वालिटी केक के लिए फेमस बेकर्स। भाजपा बिहार प्रकोष्ठ भिवंडी ने मनाया बिहार स्थापना दिवस। भाजपा बिहार प्रकोष्ठ भिवंडी शहर द्वारा भाजपा मुख्य कार्यालय पर केक काटकर बिहार स्थापना दिवस मनाया गया। विशेष रूप से यहां कोरोना महामारी से बचाव के नियमों को ध्यान में रखकर बिना किसी भीड़भाड़ के शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ मुख्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटकर इस स्थापना दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर वहां बिहार प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक झा के साथ में उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा, बिहार प्रकोष्ठ उप अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर, बीटू मिश्रा, महासचिव राकेश सिंह, रंजन ठाकुर, शिवम झा, रमन पंडित, मोहित अग्रवाल, कार्यालय प्रमुख नंदन गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया। जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दीपक झा जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष श्री प्रवीण मिश्रा जी, यहाँ प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश जी और बीटू जी और महासचिव शिवम झा, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बिहार स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हुए हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को एक विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया। उस वक्त उड़ीसा और झारखंड भी बिहार के साथ थे, इसलिए 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार ने अपने ज्ञान और परिश्रम से भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार का उल्लेख वेद पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है और यह राज्य महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थकरों की कर्मभूमि रहा। इतना ही नहीं, बिहार जमीन से कई सितारे भी निकले। बिहार विद्वानों की एक खजाना है। हमारे अभी पर्वत शिखर को काट करके दशरथ माझी ने एक प्रेम का मतलब उपदेश दिया दुनिया कि प्रेम के सामने पर्वत भी छोटा है। वो प्रेम पाने के लिए उस पर्वत को काट दिया और रास्ता बनाया। तो बिहारियों में वो दम है कि पहाड़ों को चीरते हुए भी रास्ता बना सकता है। आज मैं सभी बिहारवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और हमारे जितने बिहार प्रकोष्ठ की टीम के तरफ से भी बिहार दिवस की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। बिहार दिवस आज के दिन 22 मार्च को बहुत महत्वपूर्ण होके बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे बिहार में ये बिहार दिवस की उत्साहित होकर ये बिहार दिवस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए मैं सबको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज के इस शुभ घड़ी के अवसर पर जो आज बिहार दिवस का स्थापना दिवस है, किसी भी प्रदेश के स्थापना दिवस के लिए उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस बिहार दिवस के स्थापना दिवस के उक्त मौके पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के मध्यवर्ती कार्यालय में उपस्थित हमारे बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय श्री दीपक उमेश झा जी, साथ में महासचिव राकेश जी, बिहार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष पद पर ऐसे आसीन बिट्टू मिश्रा जी और हम सभी के बीच में जो मीडिया का काम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, ऐसे हमारे बिहार प्रकोष्ठ के युवा नेता शिवम झा जी और दूसरे हमारे जो महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं बिहार प्रकोष्ठ में रविरंजन ठाकुर जी। आज समस्त बिहारियों के लिए खुशी का दिन है। बिहार 3 शब्दों से मिलके बना है, यानी जो पहला अक्षर है बा, यानी बहुत बड़ा, दूसरा अक्षर जो उसका है यानी हमारा, और आखिरी का अक्षर जो है राष्ट्र, यानी बिहार का सबसे बड़ा अगर किसी
भारतीय जनता पार्टी हो या देश के लिए हो, सबसे बड़ा अगर किसी राष्ट्र का योगदान है तो बिहारियों को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बिहार एक संसाधनों के अभाव में अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित करके आज देश के दुनिया के नक्शे पे अपने कर्मों से, अपने कामों से वह रास्ता बनाने वाला ही प्रदेश है जो बिहार है। जब तक बिहारियों में एक कहावत है कि एक बिहारी सब पे भारी, ऐसे भारी नहीं। क्यों? किसी चीज को सतत कंटिन्यू वह प्रयास करते हैं। और आप भी अपने जीवन में, मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप बिहारियों का अनुपालन करेंगे तो निश्चित तौर से आप देश में, दुनिया में नक्शे कदम पे आपका नाम एक नंबर पर होगा। लेकिन उसके करने के लिए आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज इस मौके पे मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी को बिहार प्रदेश की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे अध्यक्ष जी ने केक काट करके सबका मनोबल बढ़ाया है, यह एक सांकेतिक प्रोग्राम है, क्योंकि यह प्रोग्राम हर बिहारियों के दिल में है, हर बिहारी के मन में है। इस प्रोग्राम को हम लाइव नहीं कर सकते हैं, इसको स्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जितना आप बिहार प्रदेश को बढ़ावा देंगे उतना ही ज्यादा देश को मजबूती मिलेगी। जय बिहार। आज बिहार दिवस की शुभ मुहूर्त पर हम सभी एकत्र हुए हैं। आदरणीय दीपक झा जी ने अपना संबोधन में सारी बातें कही, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार के अस्तित्व, बिहार की विचारधारा, बिहार के व्यक्तित्व, बिहार के प्रति व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी चीजें रखी है, पर आज बिहार उस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह पहले देखा जाता था। कुछ कमी है। मैं इसके मद्देनजर आपके सामने एक कविता रखता हूं। भारत माता के बेटों में मेरा भी नाम लिखा दो, हम हिंदी भाषी हिंदू हैं, हमको भी गले लगा लो। पता नहीं है चिड़ियों को पूरब पश्चिम और दक्षिण, अंधकार घनघोर घटा और सूरज पर रहा मध्यम। जिस डाली पे गिरे परिंदा उसको साथ लगा लो, हम हिंदी भाषी हिंदू हैं, हमको भी गले लगा लो। अरे देश की सेवा, देश का सरहद, देश से कौन मरे? कब तक अपने भारत में भाषा की बैर चलेगा? अपने अपने भाषा पे मिट्टी का तिलक लगा लो, हम हिंदी भाषी हिंदू हैं, हमको भी गले लगा। बेकर्स प्राइड द केक शॉप, जहां पा सकते हैं चीज एंड मूस केक्स, ब्रेड्स, कुकीज, मफिन्स, वेज नॉन वेज पास्ता, साथ ही सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा एंड मच मोर। हम देते हैं ताज़ा और बेहतरीन चीजें और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधाएं भी। एड्रेस शॉप नंबर G6, बागे यूसुफ रेसिडेंसी, चाविंदा नाशिक।